हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रश्ना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रश्नास होम्योपैथिक टॉप सीक्रेट मेडिसिन में। आज मैं कोई मेडिसिन लेके नहीं आई हूँ। मैं आज इस सब्जेक्ट पे बात करना चाहती हूँ कि कोरोना बहुत फैल रहा है, दिन ब दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हर कोई अपनी मेडिसिन में प्रिवेंशन के लिए भी, और कोरोना अगर हो जाता है उसके बाद अगर सिर्फ एक मेडिसिन ही ऐड कर ले, किसी अच्छे डॉक्टर से जाके आप कंसल्ट कीजिए, आप होम क्वारंटाइन हैं या आप एडमिट हैं तो आपके किसी फ्रेंड्स को जाके आपके सिम्टम्स बता के आप उनसे मेडिसिन ले सकते हैं, और एक ही मेडिसिन आपके ट्रीटमेंट में आप ऐड कीजिए और आप देखेंगे कि जो एलोपैथिक मेडिसिन से जो आपको 10 दिन में फ़ायदा देखना है वो आपको 5 दिन में दिखेगा। ये सब कुछ होम्योपैथी और एलोपैथी मिलकर अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, 1+1=11 होगा, 1 और 1=11 जैसी कंडीशन होगी, बहुत जल्दी रिकवरी होगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप अगर होम क्वारंटाइन में रह के जो 10 दिन में रिकवरी होनी चाहिए वो 5 दिन में होती है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, अगर आप उसके साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते थे, आप जल्दी से जल्दी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, आप बगैर ऑक्सीजन के अच्छे से सांस ले पाएंगे, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बहुत अच्छे से रहेगा, और वेंटिलेटर पर जाने की तो नौबत ही नहीं आएगी किसी को। आपको अगर होम्योपैथिक और एलोपैथिक मेडिसिन साथ में लेनी, तो होम्योपैथिक मेडिसिन वैसे भी खाने के आधा घंटा पहले लेनी होती है, तो आप किसी भी टाइम दिन में 3 बार अगर आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेनी है और दिन में 3 बार अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, तो आप खाने के आधा घंटा पहले होम्योपैथिक मेडिसिन ले लीजिए, खाना खाइए, खाने के तुरंत बाद एलोपैथिक मेडिसिन लीजिए, आप दोनों साथ में ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं होम्योपैथी एलोपैथी साथ में नहीं ले सकते, नहीं ऐसा नहीं है, आप ले सकते हैं साथ में। किसी भी चीज़ से बंदा ठीक हो, बस ठीक हो, ये इम्पॉर्टेंट है, केसेस कम हो, कम कॉम्प्लिकेशंस के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकता है। बहुत सारी महामारियाँ आ चुकी है इससे पहले हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में, विश्व में, जैसे कि टाइफस 1813 में आया था, जिसमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से जो ठीक हुए थे, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद जिनकी डेथ रेट थी वो 30 थी, वही उन जिन लोगों ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ली थी उनमें सिर्फ 1.5% ही मॉर्टेलिटी रही थी, यानी डेथ रेट रहा था। कॉलेरा आया था 1830 में, जिसमें एलोपैथिक, जिसको हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कहते हैं, वो ली थी, उनमें 40% डेथ रेट था, जबकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने वाले लोगों में सिर्फ 7 से 10% ही डेथ रेट हुई थी। सेम कॉलेरा आया था 1854 में, उसमें 59% लोग मर गए थे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने वाले, जबकि 9% होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वाले मरे थे। येलो फीवर जो 1850 में आया था, उसमें 15% लोग डेथ रेट थी 15% की, जबकि होम्योपैथी में सिर्फ 6% थी। येलो फीवर 1878 में आया था, उसमें 50% डेथ रेट थी, जबकि होम्योपैथी में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6% थी। डिप्थीरिया आया था जो 1862 से लेकर 64 तक रहा था, उसमें 83% बहुत बड़ी संख्या है परसेंट लोगों की डेथ हुई थी, जबकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने वाले सिर्फ 16% ही लोग डेथ रेट दिखा रहे थे। कोलेरा जो 1892 में आया था, उसमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में 42% लोग मरे थे, जबकि होम्योपैथी में सिर्फ 15%। और स्पेनिश फ्लू जो 1918 में आया था, जिसमें एलोपैथी की डेथ रेट थी 60% और होम्योपैथी का ओनली 1%। तो ये आंकड़े बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आपके ट्रीटमेंट में एक होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड करते हैं, तो अगर इतना अच्छा रिजल्ट आता है, तो प्लीज़ 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 आप आपके आसपास जो भी अच्छा डॉक्टर आपको पता हो उसके पास जाइए, उनको आपके सिम्टम्स बताइए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके रूटीन में ऐड कीजिए। प्लीज़, थैंक यू।